अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एडिशन यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, ठीक है। एडिशन यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। हम एडिशन यानी हम जमा करना सीखेंगे मेंटल स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक। अहमद हैड रुपीज़ 13, हिज फादर गेव हिम रुपीज़ 6 मोर। हाउ मच अमाउंट डिड ही हैव ऑल टुगेदर। अहमद के पास कितने रुपीस हैं? अहमद के पास 13 रुपीस हैं और उसके फादर ने उसको 6 रुपीस जो है ना और दिए हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे हाउ मच अमाउंट डिड ही हैव ऑल टुगेदर, यानी उसके पास कुल कितनी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट बाई यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी। पहले तो हमने एडिशन करना सीखा था सिंपली, जिस तरह एडिशन होती है, ठीक है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम मेंटल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए भी रकम को जमा कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1, सेपरेट टेंस एंड वंस। अहमद के पास रुपीस थे 13। अब हमने क्या करना है, टेंस और वंस को हम अलग कर लेंगे। इन टेंस प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13, ये टेंस और ये वंस को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है, इस तरह से। स्टेप 2, ऐड दी वंस, ठीक है ना। अब हम वंस को ऐड करेंगे, 3 प्लस 6 डैट इज़ इक्वल टू 9। अब ये 3 जो है ये वाले हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर सेपरेट किए हैं, और ये 6 वो हैं जो उसके अहमद के फादर ने उसे दिए थे। तो 3 प्लस 6 कितने हो गए, 9। स्टेप 3, नाउ ऐड 10 टू द रिजल्ट दैट इज़ ऑब्टेन इन स्टेप 2, ठीक है। अब हमें क्या रिज़ल्ट मिला है, हमने 3 में 6 को प्लस किया था, वो तो इक्वल था 9। अब उस 9 को हम क्या करेंगे, इस 10 में जो हमने सेपरेट किया था उसमें जमा कर देंगे। तो 10 में 9 को जमा करेंगे तो वो इक्वल होगा 19 के। सो अहमद हैड रुपीज़ 19 ऑल टुगेदर। अहमद के पास कुल कितने रुपीज़ हो गए, 19 रुपीज़ हो गए, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, हम इनको मेंटल स्ट्रेटजीज के ज़रिए क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लस 14 डैट इज़ इक्वल टू, ठीक है। एडिशन यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 14 डैट इज़ इक्वल टू, हम मेंटल स्ट्रेटजीज के जरिए इसको हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 14, ठीक है। फिर हम इसमें टेंस और वंस को अलग कर लेंगे, इसमें टेंस, ये टेंस और क्या है 14 है, और ये 4, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को पहले ऐड करना है, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के, और फिर 6 में हमने ऐड करना है 10 को, तो 6 में 10 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 16। सेकंड पार्ट है 13 प्लस 6 डैट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम किसको लेंगे, 13 को लेंगे, टेंस और वंस वाली वैल्यू को लेंगे 13। अब इसमें हम टेंस और वन को अलग करेंगे, इसमें हो जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 3। ये हमने टेंस और वंस को क्या कर लिया, अलग कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब 13 के साथ हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आती, 6। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, और उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 3 में 6 को जमा करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 9। 9 के बाद हम क्या करेंगे, अब उस 9 को हम इस 10 में जमा करेंगे, तो 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 19। इधर भी हम लिखेंगे 19। नेक्स्ट पार्ट है 15 प्लस 3 डैट इज़ इक्वल टू,
अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, 15 को लेंगे क्योंकि इसमें वंस भी है और टेंस भी है। 15, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टेंस और यहाँ पे आ जाएगा 5। टेंस और 5 को हमने अलग कर लिया। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 थी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। 5 में 3 को जमा करेंगे कितना बन जाएगा, 8। अब उस 8 को हम इस 10 में जमा करेंगे, तो 8 को 10 में जमा करेंगे तो वो इक्वल होगा 18 के। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 17। तो सबसे पहले हम टेंस और वन वाली वैल्यू लेंगे, तो वो क्या है, 17। अब इसमें हम टेंस और वन को सेपरेट करेंगे, इसमें आ जाएगा ये 10 और वंस में आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे, 7 में 2 को जमा करेंगे इक्वल होगा 9 के। अब उस 9 को हम इस 10 में जमा करेंगे, 9 प्लस 10 इक्वल होगा 19 के। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19। 8 प्लस 10 डैट इज़ इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको लेंगे 10 को। अब इसमें देखिए ये हमारे पास 10 और वंस में हमारे पास क्या होगा, 0 वंस। ठीक है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 8। अब हम क्या करेंगे, 0 में 8 को प्लस करेंगे, तो 0 में 8 को प्लस करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 8 के। अब इस 8 को हम 10 में प्लस करेंगे, 8 प्लस 10 18। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18। 14 प्लस 4 डैट इज इक्वल टू 14। इसमें हम टेंस और वन को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 और वंस में आएगा हमारे पास 4। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या थी, 4। सबसे पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे, 4 प्लस 4 8। अब उस 8 में हम इस 10 को प्लस करेंगे, तो 8 प्लस 10 18। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन है 11 प्लस 2। ओके जी, सबसे पहले हम इसमें टेंस और वंस को अलग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और वंस में आ जाएगा हमारे पास 1। अब इन दोनों को जमा करेंगे, 1 में 2 को जमा करेंगे 3 और 3 में 10 को जमा करेंगे तो 13। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है 12 प्लस 5। तो सबसे पहले हम इसमें टेंस और वन को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टेंस और वंस में हमारे पास आ जाएगा 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम करेंगे प्लस करेंगे, 2 में 5 को प्लस करेंगे तो इक्वल होगा 7 के, और उस 7 को हम 10 में प्लस करेंगे, तो 7 को 10 में प्लस करेंगे तो ये इक्वल होगा 17 के। आज हमने सीखा है मेंटल स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।